بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. وقال تعالى وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. وقال تعالى إن تنصر الله ينصركم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلكم راعٍ كلكم راعٍ وكلكم مسؤول عن رعيته، أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. उनकी उलमा को पढ़ाते पढ़ाते हदीस पढ़ाते पढ़ाते
और आज भी वो गुजरात के सूरत रांगेर का जो कब्रस्तान है जिसे गोरे गरीबा कहा जाता है वहां पर उनकी मजार है शेखुल हदीस के मौलाना अबरार साहब दुनिया वाले। तो ये दोनों अल्लाह के वली एक जुमला कहते थे कि अल्लाह अगर तौफीक न दे इंसान के बस की बात, अल्लाह अगर तौफीक न दे इंसान के बस की, तो ये भी अल्लाह प्यार करता है तो तौफीक होती है, वरना बाजू में दुकान रहेगी तौफीक नहीं होती, बाजू में घर रहेगा तौफीक नहीं होती, अजान की आवाज कानों में पड़ेगी फिर भी तौफीक नहीं। जुम्मे की बात यही से शुरू करता हूँ कि पहले तो शुक्र अदा किया करो उसके एहसान पर कि उसने बुलाया हम नहीं आए। कहते थे ये कदम उठते नहीं है उठाए जाते हैं, ये कदम बढ़ते नहीं है बढ़ाए जाते हैं, और तू आता नहीं है बुलाया जाता है। तो आई जुमा का वक्त बड़ा शॉर्ट रहता है और कुछ अहम प्रमाण पर बात हो जाती है, और मेरा मानना है कि मैं मौजूदा हालात को लेकर ही बात करता हूँ, क्योंकि मेरा मानना है कि अगर पेशेंट को मलेरिया है तो उसको टाइफाइड की गोली बंद करो, जो वक्त की जरूरत है उम्मत की उसी पर बात करो। और कुरान और हदीस हमें गर्व है इस बात पर कि अल्लाह ने कुरान हमको ऐसा दिया और नबी अल्लाह ने हमको ऐसे दिया कि हमें फख्र है, हमें गर्व है, हमें नाज है इस बात पर कि जो भी हालात आएंगे तो कुरान की कुछ आयतें ऐसी लगेगी आपको कि ये अभी उतरी, ये आयत जो बावले चाले हो रहे शायद उस पे उतरी, यानी ये मौजज़ा है कुरान का, ये करिश्मा है कुरान का। उम्मत मुस्लिमा को ऐसे छोड़ भी दिया गया बोलकर कुरान को नाजिल होनी आज 1500 साल हो चुके हैं, लेकिन 1500 साल के बाद जो कुरान की आयतें ऐसी लगती है कि जैसे अभी जो वाकया हुआ उस पे अभी शायद रात में झुक रही है। ये क्या है कुरान का मौजज़ा है। दूसरों के पास में कोई ऐसी किताब नहीं है, हमारे पास नबी भी ऐसा है कि जो ऐसा टीचर बनकर आया, हमारा ऐसा उस्ताद बनकर आया कि कदम कदम पर उसने रहनुमाई की। और अभी तो 1500 साल हो गए मुन्ना भाई, 1500 साल हो गए, कयामत तक जितनी दुनिया आएगी उनको कोई नई किताब की जरूरत नहीं पड़ेगी, उनको कोई नए नबी की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये आसमानी किताब भी आखिरी और हमारा नबी मोहम्मद मुस्तफा भी आखिरी। अभी 15 दिन पहले मुझे एक जगह बुलाया गया था गुजरात में, वहां पर झोपड़पट्टी के एरिया में एक नया नबी आ गया, एक से कहा तो मुझे कॉल आया कि साहब आपकी अगर तारीफ चाहिए क्योंकि इसका पोस्टमार्टम आप ही कर सकते हैं, क्योंकि ये हुकूमत का पालतू बिल्ला है, अभी हुकूमत ऐसे लोगों को बकायदा अरे पाल रही है, इनके खिलाफ बोलना भी बड़ा मसला है। तो उनको पता चला कि जलगांव में ऐसा बावला है बोलने वाला जो पोस्टमार्टम करेगा, तो अभी वहां था, अभी अगले हफ्ते हरियाणा वगैरह जाऊंगा। तो ये नए नए आइटम आते आते रहते हैं और इनका जवाब देना भी जरूरी, इनका मुकाबला करना भी जरूरी, क्योंकि मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि अगर बुराई को होता देखते हो हाथ से रोकने की ताकत है तो हाथ से रोको, और हाथ से रोकने की ताकत नहीं है तो समान से रोको। आज का माहौल ऐसा है कि जो कुछ भी गलत बातें चल रही है 99 हमारे, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है कहते हुए, हमारे लोग भी ऐसे हो गए हैं कि सब अभी सेफ रहना चाहते हैं, नहीं लग जाए खराज भी ना है और जिहाद भी हो जाए, क्या ना है अरे बोलो ना, खराज भी नहीं आने को ना अंजाम फसा भी हो जाए। तो हमें भी 99% हमारे लोगों को भी मैं समझा रहा हूं, उलमा को भी, लोग उठो बोलो अल्लाह के पैगाम को, नबी के पैगाम को दुनिया तक पहुंचाओ। आओ आज मैंने उलमा हालात के एतबार से सुना है, और पिछले हफ्ते भी मैंने इस पर बोला था, तो बकायदा जो यहां का मुल्क का नंबर वन का दल्लाल चैनल है उसने मेरे उस बयान को दिखाया, क्या बोल रहा, मैंने बोल रहा बोल रहा, और ये मैं नहीं बोल रहा, ये कौन बोल रहा, अरे बोलो अल्लाह बोल रहा है, अल्लाह का रसूल बोल रहा है। और आज मैं समझता हूं कि मुसलमानों को भी यह समझाने की बहुत जरूरत है, ये मौजूदा जो भी हालात हैं
अभी आज देखें कि 8 दिन से हिजाब के मसले पर गुफ्तगू हो रही है, पर्दे के मसले पर गुफ्तगू हो रही है। तो मैं तो एक बात आपको बता दूं कि मेरा तो ये मानना है कि जरा तू भी पॉजिटिव अच्छा ही सोचा करो, हमेशा अपना फायदा छोड़ा हर चीज में। अपना क्या हुआ, ये जितनी शरारती करेंगे, ये जितनी बदमाशियां करेंगे, इंशा अल्लाह फायदा ही होगा। इन्होंने बदमाशी की CAA को लेकर, NRC को लेकर, तो उस वक्त मैंने जुमला कहा था कि जब मुसलमानों पर हमला किया गया CAA के जरिए से, तो मुसलमान ज्यादा ज्यादा, और मुसलमान का प्रॉब्लम ही है जब तक के पढ़ती नहीं। अरे बोलो, तो मैं समझता हूँ थोड़ा सा 4-5 महीने में पढ़ने को छोड़ देगा। तो उस वक्त भी मैंने कहा था कि बड़ा मसला हमारा हल हो गया कि पहले हम एक स्ट्रीट पे कभी नहीं आते थे, हरा बेटा अलग रहता था, काला अलग रहता था, सफेद अलग रहता था, लेकिन तुमने थोड़ा सा काली करे तो हम जा गए और हम सब के सब एक हो गए। तो मैंने कहा शुक्रिया तुम्हारा कि उलमा के हलक में से खून निकलना बाकी था, समझाते समझाते एक हो जाओ रे, एक हो जाओ रे, एक हो जाओ रे, होते ही थे, लेकिन तुमने बदमाशी किया, अल्लाह ने कह दिया। क्योंकि देखो भाई, अल्लाह का मसला तो यह है, पिछले हफ्ते सालार नगर में भी बोला कि भाई अल्लाह का मसला यह है कि अल्लाह तो शैतान से भी काम लेना जानता है। किससे काम लेना जानता है? अरे बोलो, एक शख्स को तहज्जुद में शैतान ने उठा दिया, क्या करा शैतान ने, तो उसने बोला भाई तू कौन है जो मुझे उठा रहा, तो बोले मैं शैतान है, तो बोला तू उससे भी काम करने लग गया, तेरा नाम क्या है? अरे बोलो इतना रोया कि अल्लाह ने तुझे हजारों ताज्जुद का सवाब दिया, इसलिए तेरे को उठा के उठ कल सीधा एक ही छुपा। अरे बोलो, एक कर ले तो अल्लाह तो शैतानों से भी काम लेता है, अल्लाह जिससे चाहेगा काम ले लेगा। तो शैतानों से अल्लाह भी ये काम करवा रहा है कि जो मुसलमान नहीं मानते थे, अल्लाह कुछ इनसे ही ऐसी शरारतें करवा रहा है और हमारा ही फायदा हो रहा है। जैसे अभी हिजाब को लेकर देखो, हिजाब को लेकर शैतानों ने मुद्दा उठाया, हालांकि ये कोई मुद्दा नहीं था। मौलाना अरशद पद्दी ने बड़ा प्यारा जुमला कहा, हजरत मौलाना अरशद पद्दी ने कहा कि भाई ये कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, जिसमें जितनी शर्म होगी वो उतना बढ़ा करे, नहीं समझा, जिसमें जितनी शर्म होगी वो उतना पर्दा करेगा। हमारी बेटियों में शर्म है तो बदन भी छुपा रही है, चेहरा भी छुपा रही है, अब अगर तुम्हारे पूरे खानदान में नंगा बना तो हम क्या करें? जिसमें हम तुमको मना कर रहे हो कर रहे हैं, तो जिसमें जितनी शर्म होगी वो उतना अपनी बेटियों को भी पर्दे में रखेगा। मुसलमान और तुमको भी यह पैगाम दे रहा हूं, और सुनो दुनिया वालों को, हम तो ये कह रहे हैं कि देखो कुरान जो उतरा है ना, कुरान जो उतरा है ना वो तमाम के लिए उतरा, सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं उतरा। कुरान का पैगाम अगर मानोगे तो तुम्हारा भी फायदा, सबका फायदा, इंसानियत का फायदा, मानवता का फायदा। खैर, तुमने शरारत की हिजाब को लेकर, तो उसमें हमारा पहला फायदा क्या हो गया कि अब हमारी वो बेटियां, देखो मैं बिल्कुल पॉजिटिव अच्छी बात कह रहा, कि हमारी वो बेटियां जो पहले हिजाब नहीं पहनती थी वो भी जिद में हिजाब पहन ली। क्या कर रही, मेरी 13 साल की बेटी, मैंने सोचा था 10वीं में जाएंगी जब पिलाएंगे, मैं देखो कि मेरा घर, मैंने सोचा था अरे यार 13 साल की है, पहले पूरे में पचकड़ है, तू बोलने में कैसे लगी। तो मैं सोचता था कि नहीं, जब होगी 15 साल की, 10वीं में जाएगी जब पिलाएंगे, तो उस दिन जब ये प्रॉब्लम आया है आपका, तो मैं जब ऑफिस से घर आया और उसके स्कूल जाने का टाइम था, तो वो पर्दे में जाएंगे, मतलब क्यों मैं अब तो जाऊंगी, समझ गया। तो भाई तुम शरारत करते हो तो तू भी पॉजिटिव, हमारा तो फायदा ही होता है। जिन बेटियों को हम समझाते थे कि पर्दा कर बेटी, पर्दा कर बेटी, पर्दा कर बेटी, तुम्हारी होती थी, हाँ तुमको क्या है अभी छोटी है वहां तो करेगी ना, नहीं आज हमारी बेटियां पर्दा कर रही, लेकिन आओ अब मैं आपको पर्दे की अहमियत समझा देता हूं, इसी उन्मान पर आपको समझा देता हूं। देखो कुरान में कितनी पर्दा कितना जरूरी है, कुरान ने अपने नबी, अल्लाह अपने नबी से कह रहा है, अपने नबी से कह रहा है,
يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين. कितने प्यारे अंदाज में अल्लाह कह रहा है, ए नबी, या अय्युह नबी, अल्लाह कह रहा है, ए नबी कुल ली अज़वाजिका, अपनी बीवियों से कह दो, व बनातिका, अपनी बेटियों से कह दो, व निसाइल मुमिनीन, और मोमिन औरतों से कह दो, क्या कह दो, कि जब तुम बाहर निकला करो, युहनीना अलैहिन्न मिन जलाबीबिहिन्न, कि जब तुम निकला करो तो फिर अपने चेहरों पर चादर डाल लिया करो, पर्दा डाल लिया करो। कुरान कह रहा है, और वक्त का मैं इसमें स्पीड में आगे बढ़ूंगा कि कुरान आगे क्या कह रहा है, बड़ी अजीब बात। अल्लाह ने कहा कि इसका फायदा क्या होगा, मुसलमान को भी होगा, हर औरत को होगा, हर इंसान को होगा जो इसका ख्याल करेगा। अल्लाह कह रहा है कि पर्दा डाल लिया करोगी, अल्लाह औरतों से कह रहा है और अपने नबी से कह रहा है कि औरतों को समझा दो, अपनी बीवियों को भी समझा दो, अपनी बेटियों को भी समझा दो, और मोमिन औरतों को समझा दो कि इसका फायदा ये होगा, ज़ालिका अदना अय्युरफना, कि इसका बड़ा फायदा ये होगा कि जब तुम पर्दा डालकर निकलोगी तो तुम पहचान ली जाओगी। अब आपके मेरे दिमाग में ना क्या मतलब पहचान ली जाएगी कि कौन है, ऐसा नहीं, ये पहचान ली जाऊंगी सबसे पहले कि तुम शरीफ औरत हो। क्या पहचान ली जाओगी, शरीफ औरत हो, जब तुम पर्दा पहनकर निकलोगी और तुम जब तुम अपने बदन को छुपा कर ढाक कर कवर करके निकलोगी, क्यों रियाब के माने कवर करना ढाकना, तो अल्लाह कह रहा है कि जब तुम औरतों से कह रहा है कि जब तुम पर्दा करके निकलोगी तो इसका फायदा ये होगा कि तुम पहचान ली जाओगे कि तुम शरीफ औरत हो। तो जो रास्तों पर रौस के पुजारी खड़े रहे हैं वो तुम्हारी शराफत को देख कर ही समझ जाएंगे कि इनको छेड़ा ना जाए, इन यहां कोई दाल गलने वाली है। और जब तुम खुद ही नंगी होकर निकलोगी तुम्हारा पेड़ दिखेगा, तुम्हारा सीना दिखेगा, तुम्हारे हाथ दिखेंगे, तुम्हारे बदन का ऊंच नीच दिखेगा, तुम्हारे बदन, तुम अगर लेगी पहन के निकलोगी, तुम अगर फिट कपड़े पहनकर निकलोगी, तुम अगर फैशन जरा कपड़े पहनकर निकलोगी जिससे तुम्हारा बदन नजर आएगा, जिससे तुम्हारा मेकअप नजर आएगा, जिससे तुम्हारा चेहरा नजर आएगा, जिससे तुम्हारी खुदा की दी हुई खूबसूरती जीनत और जमाल नजर आएगी, तो याद रखो कि फिर उसका नुकसान ये होगा कि फिर रास्तों पर खड़े रहने वाले शरीरों को, बदमाशों को ये लगेगा कि ये औरत ही ऐसी है, इसको छेड़ सकते हैं। अल्लाह कह रहा है कि तुम अगर पर्दा लगा कर निकलोगी बाहर तो पहचान ली जाऊंगी, और आगे कितना प्यारा जुमला अल्लाह ने कहा, तो फिर तुमको सताया नहीं जाएगा, तुमको तकलीफ नहीं दी जाएगी। अब याद देखो, कभी अगर औरत फुल पर्दे में अगर निकलती है और रास्ते में अगर दो तीन जवान खड़े भी रहते, भले ही गंदे जहन के हो, लेकिन उनकी हिम्मत नहीं होती कि उसको छेड़ा जाए, लेकिन अगर कोई आने वाली हमारी बेटी, हमारी बहन अगर ऐसी आ रही है कि उसका बदन नजर आ रहा है और उसके हाव भाव से लग रहा है कि इसी किस्म की लड़की है, तो फिर खड़े रहने वाले उस पर कमेंट भी करेंगे, सीटी भी मारेंगे, तकलीफ देने की कोशिश भी करेंगे, बुरे बुरे अल्फाज भी कहेंगे। तो अल्लाह ने ये फायदा बयान कर दिया कि पर्दे का फायदा ये है कि तुम्हारी बेटियां, और नबी से अल्लाह कह रहा है कि ऐ मोहम्मद अपनी बीवियों से कह दो, अपनी बेटियों से कह दो, वनिसाइल मोमिनीन, और मोमिन औरतों से कह दो कि जब तुम बाहर निकलो तो पर्दा करके निकलो। और देखो कि पर्दे का मतलब ये नहीं कि जो आपका नकाब है वही पर्दा है, जो आज चल रहा है वही पता है। आजकल तो नकाब भी इतना फैशन वाला हो गया कि मैं एक जुमला बहुत पहले कहता था कि अब तो नकाब भी ऐसे हो गए कि नकाब को भी नकाब की जरूरत है, नहीं समझा, नकाब क्योंकि उसके हीरे लगे रहे ना, फिर हीरे को ही चुरा लेना, तो इसलिए नकाब को भी क्या है, अरे बोलो, पर्दा यह है कि बेटियों का चेहरा, हमारी औरतों का चेहरा ये कवर हो जाए, इनका बदन ढक जाए, ताकि अवश्य के पुजारियों को मौका ना मिले। अभी 6 दिन पहले मेरे एक वीडियो वायरल हुई कि मैं हिंदू बेटियों को भी, हिंदू बहनों को भी समझा रहा हूं, बड़ी चली वीडियो, समझा, मैं उनसे समझा रहा हूं कि मैं अखाड़ाओं को समझा रहा था, हिंदू और हिंदू औरतें मेरे आगे खड़ी हुई है, फिर पीछे मुसलमान औरतों को, तो मैं उनसे समझा रहा हूं कि देखो आप मार्केट में गए तो आपको मौसम भी लेना है, तो छिलेल मौसम भी लेते हैं,
छलीवी, संतरा, छिलावा, केले, अरे बोलो भाई, छिले हुए चीकू, छिले हुए लेते क्या? अच्छा कोई अगर बागवान वो आपकी सेवा में छिलकर मौसम भी रखे तो लेंगे क्या? अरे बोलो, अरे तेरा बड़ा अच्छा आदमी है ना, इसको छिलने का भी काम है ना? नहीं, कुदरत ने मौसम बी पर कवर लगाकर भेजा है, कुदरत ने संतरे पर कवर लगाकर भेजा है, उस रब ने केले पर कवर लगाकर भेजा है, और ये इस बात की दलील है कि उसी कवर में उसकी हिफाजत है। छीना हुआ केला तुम लेने को तैयार नहीं, छीना हुआ संतरा तुम लेने को तैयार नहीं, छीना हुआ मौसम बी तुम लेने को तैयार नहीं, यहां तक के कैडबरी अगर तुमको खोल के दी जाए तो? अरे बोलो नहीं, क्यों ये तो गंदी हो गई होगी, तो अल्लाह भी ये कहता है। औरतों के फौरन हिंदू औरतों के समझ आ गया, हाँ गुरु जी बात तो सही है, कुदरत ने कुछ चीजों पर कवर, अरे बोलो, लगाकर भेजा है और बता दिया है कि इसी कवर में ये सुरक्षित है, इसी कवर में ये महफूज है, इसी कवर में ये सिक्योर है, महफूज है, सेव है, सेफ है, इसी कवर में। तो मैंने कहा मेरी बेटियों, ऐसे ही अल्लाह ने औरत को तीन की बनाया, औरत कोई बाजार का माल नहीं है, औरत को अल्लाह ने तीन की बनाया, और दुनिया की हर तीन की चीज का उसूल है कि उसे छुपा कर रखा जाता है। अभी आपको जाना है मिसाल के तौर पर सोने का नेकलेस ले लें, हार ले लें, तो मार्केट में जाएंगे तो जैसे भेड़िया बिलाली उठे वैसे बिकता है, अरे बोलो ना, जैसा गोभी पड़े रहे है ना, बोलो ना भाई, मिर्चा पड़े रहे है, अरे वो भी तो सामान है ना, वो क्यों एकदम बाजार रोड पर पड़ा हुआ क्यों नहीं मिलता है? इसलिए कि वो कीमती है, और जब आप लेने जाओगे तो फिर पहले शोरूम, शोरूम के अंदर फिर बाहर फिर टेबल फिर अंदर, नहीं जानते कीमती चीज है। तो मेरी बहनों, मैंने औरतों को समझाया कि मेरी बहनों, खुदा ने आपको तीन की बनाया है, और हमारे धर्म में तो देखो हम देखते हैं कि जो चीज कीमती है उसको कब्र में रखा जाता है। जैसे आप देखो बैतुल्लाह काबा अल्लाह का घर कीमती घर है, इस जमीन पर दुनिया की इस जमीन पर सबसे कीमती घर अगर कोई है तो वो काबतुल्लाह है। काबतुल्लाह भी काय में, अरे बोलो पर्दे में। कुरान बड़ी कीमती किताब, हम पढ़ने के बाद उसको कैसे रखते हैं घरों में? मस्जिदों में खुले पड़े रहते हैं लेकिन घरों में, अरे बोलो। और कुछ तो इतना अदब करते हैं कि जब पहली बार रखे थे, जैसे मैंने बेटियों से कहा कि कुछ बेटियां तो कुरान का इतना अदब करती है कि अब्बा ने जब जहेज में मखमल की जुजदान में दिया था तो अदब के मारे आज तक कुरान उसको खो रही बनेगी तो उसको महफूज रखना है ना। तो हर कीमती चीज को कवर बनाया जाता है, उसे छुपाया जाता है, ऐसे ही अल्लाह ने औरत को तीन की बनाया। खैर आइए, अब वक्त बहुत कम बचा, मेरा आज का उनवान था कि प्रॉब्लम पर्दे से है या मुसलमान से, कैसे प्रॉब्लम? अच्छा इनकी गलत फहमियां क्यों पैदा हो रही है, ये क्यों कह रहा है? कुछ लोग ये कह रहे हैं, बल्कि बोल रही थी क्या बात करूं, हम में भी कुछ ऐसे हैं जो नस्ली तौर पर जिसे हम कहते हैं कि बिल्कुल वो गंदे माहौल में पैदा हुए हैं, जो गंदे माहौल ही में पले बड़े हैं, तो हमने के लिए कुछ ऐसे हैं जो टीवी पर आकर कह रहे हैं, जरूरी थोड़ी है। अब हिंदू भाइयों को भी क्या लगा, जरूरी थोड़ी है। तो बड़ी अच्छी बात खुदा ने मेरे जहन बढ़ा ली कि कई चीजें इस्लाम की ऐसी है कि आज उनको मुंह खोलने का मौका मिल रहा है, उसके खिलाफ बोलने का मौका मिल रहा है, उसकी वजह हम है, क्योंकि हमने उन चीजों को अपनाया नहीं, हमने उन चीजों को पकड़ा नहीं, हमने उन चीजों को जिंदगी में लाया नहीं, तो उनको लगता है क्योंकि सारे मुसलमान नहीं कर रहे, इसका मतलब ये जरूरी है ना। समझ आ, जैसा हिजाब, हिजाब पर तो क्या कह रहे हैं भाई जरूरी होता तो सब क्यों नहीं कर रहे, इसका मतलब बगैर पर्दे के नंगा रहकर भी मुसलमान रह सकते, आज वो ऐसी बातें कर रहे हैं, ऐसी बातें वो कर रहे हैं कि अगर जरूरी होता तो पूरे मुसलमान करते, लेकिन पूरे नहीं करते, पूरी मुसलमान औरतें पर्दा नहीं कर रही, तो इसका मतलब यह है कि जरूरी नहीं इस्लाम ने, इसलिए सब नहीं कर रहे, जिसके मन में आ रहा कर रहे, जिसके मन में आ रहा नहीं कर रहे, है ना। आगे चलते क्या बोलेंगे,
मुसलमानों के हक में ये फैसला किया है कि मुसलमान कमजोर ना हो जाएं और बीमार ना हो जाएं, तो हमने ये फैसला किया है कि रमजान के रोजे गर्मियों में मई के महीने में आ रहे, तो हम ये चाहते हैं कि हमारा भारतीय नागरिक बीमार ना हो जाए, कमजोर ना हो जाए, इसके रोजों को खत्म कर दिया जाए। अब उससे पूछे जाए तुम तो ऐसा क्यों कह रहे, फर्ज है हमारे इसके रोजा, तो वो खुद क्या बताए, चलो हो गया तुम बोल रहे जरूरी है, इसके बगैर मुसलमान नहीं रहेंगे, तो ये कितने मुसलमान तो नहीं रख रहे, इसका मतलब जरूरी है, अरे बोलो नहीं। आगे चल के कहेंगे कि भैया नमाज भी जरूरी है, आप लोग मुल्लाओ तुम लोग फालतू नमाज के बारे में लोगों को समझा रहे हो, सुबह सुबह उठा रहे, इसकी वजह से हमारा भारतीय नागरिक कमजोर हो रहा, दो मतलब उसकी नींद कम हो रही, अरे बोल रहा है, तो ये भी जरूरी नहीं, आप बोलेंगे नहीं 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 जरूरी है, तो क्या बोलेंगे जरूरी है, तो फिर तुम्हारी दो सफर नहीं मिल रही, सब मुसलमान क्यों नहीं आ रहे, अगर जरूर रहती हो, अरे बोलो भाई सब आते, तो ये मिसालें मैं क्यों दे रहा हूं, हम मौका दे रहे हैं, हम मौका दे रहे हैं कि उनको ये चीजें वो उठाए, लेकिन आओ मुसलमान वक्त है नहीं, इसके बाद शॉर्ट में समझाऊंगा कि नहीं, अल्लाह के वास्ते अगर हम इस्लाम की रस्सी को मजबूती से थाम ले, हम नबी के तरीकों को मजबूती से थाम ले, तो किसी की मजाल नहीं, किसी की मजाल नहीं। आज आप देखो थोड़ी सी चुभेगी, फौज में आप गए, आप साफा नहीं मान सकते, या कुछ कुछ डिपार्टमेंट ऐसे जवाबदारी नहीं रख सकते आप, क्यों भाई आप दाली भी रख सकते, लेकिन इनकी मां ने दूध नहीं पिलाई कि वो हमारे पंजाबी भाई को बोले कि साफा मत पहनो दाली मत पहनो, सरदार जी भाई को इनकी मां ने दूध नहीं पिलाई कि सरदार जी को मना कर देंगे दाली मत पहन साफा मत पहन, वजह क्या है, सरदार जी ने दिखाया कि ये हमारे धर्म का अरे बोलो हिस्सा है, लेकिन मुसलमानों ने नबी की सुन्नतों का मजाक उड़ाया, मुसलमानों ने दाली का मजाक उड़ाया, जिसने चाहा जो चाहा चिकना हो गया, जिसने चाहा जैसा चाहा रख लिया, जिसने चाहा दाली की भी फैशन बना लिया, जिसने चाहा रख लिया काट लिया, मुसलमानों ने मजाक उड़ाया है टोपी का लिबास का दाली का सुन्नतों का, तो आज इनको मौका मिल रहा है, वरना आप देखो किसी पंजाबी भाई को ये कह दें, अभी एक वीडियो वायरल हुई थी, पंजाबी के पास में रहता हमेशा दिया, उसने दिखाया उस वक्त कि हमारे धर्म में ये अरे बोलो है, इसलिए वो तलवार लग रहा, अभी तुम्हें छड़ी भी रख सकता बेटा नहीं, क्योंकि तूने पहले मामले चले कर रहे, और आज भी मैं आपको समझा रहा हूं सुनाओ कि अपने धर्म पर ऐसा मजबूती से अमल करो कि खुद हमारे साथ में काम करने वाले हमारे गांव के हमारे मुल्क के हिंदू भाई खुद कहने लगे नहीं 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 ये मुसलमान है और इनके इसमें जरूरी है, लेकिन मुसलमान क्या करता, ये नहीं जानता, ये नहीं जानता, आधा कीतर आधा बटेर नहीं हल जाओ, मुसलमान क्या कर रहा, कुछ नहीं कर रहा होता है, कुछ नहीं कर रहा होता, अभी गांधी जी की पुण्यतिथि थी, पुण्यतिथि क्या बोलूं उसको, मैं तो नहीं समझता था, अब मैं भी प्रोग्राम मेरा तो बेगुली किसने बोला कि वो नहीं चलता, क्या बोल मैंने धर्म के हिसाब से नहीं, तो एक मतलब तुम कह दो तो उनको खुद को समझ में आ जाएगा, लेकिन तू भी क्या कर रहा, सब कुछ होने को आना है, तो तू भी क्या कर रहा जाके, तू भी जाके दंड करके, अरे उनको दिखा नहीं चलता, यानी भाई मैं तुमको मना कर रहा है, अरे बोलो भाई नहीं मेरे धर्म में ये चीज नहीं है, तो मुसलमानों से मैं कहूंगा कि मजबूती के साथ अपने धर्म पर अमल करो, और इस प्यारे मुल्क में बाकायदा हमको आजादी दी गई है कि हम अपनी आजादी के साथ अपने धर्म पर अमल करें। खैर आखिरी बात कहते हुए कहूंगा कि यारो हिजाब हमारी बेटियों की इज्जत है, उनकी हिफाजत है, हिफाजत है। मैं हिंदू बेटियों को जब समझाना था तो मैंने एक वाक्य सुनाया, आज से 10 साल पहले का, मैं कॉलेज में पढ़ाता था, हिंदू बेटियां भी वहां पर बीएड कॉलेज में आती थी, तो हम लोग गेट पर खड़े थे, तो एक हिंदू दो हिंदू बेटियां स्कूटी पर आई, और गर्मी का दिन था तो ऐसा तो वो लगातार आई थी, चेहरा छुपा कर आई थी, और उन्होंने हमको देखे कि मुफ्ती साहब मुफ्ती जी खड़े हुए हैं, तो उन्होंने सलाम करे, हम पहचाने नहीं, फिर वो रुक गए, तो फिर आवाज से मैं पहचाना, तो अपनी बेटियां हैं, हिंदू बेटियां हैं, ये तो बेटियां, तो मैंने वो पूरे पर्दे में थे, तो मैंने कहा कि तुम
कब से पर्दा करने लग गए मुसलमानों के जैसा? तो वो हिंदू बेटियों ने बोली, गुरु जी हम मुसलमानों का पर्दा इसलिए नहीं कर रहे, हमने पढ़े रहे कि ये जो गर्मी का जो लू है लू, इससे अगर चमड़ी को बचाना है, रंग को बचाना है, खूबसूरती को बचाना है तो चेहरे को छुपा लो, तो इससे क्या होता है, लू के वायरस और गर्मी के वायरस से हिफाजत होती है ना, इसलिए हमने ये लगाए। तो फिर मेरे दिमाग में बात आ गई, तो मैंने धीरे से कहा कि हाँ मेरी बेटी, अल्लाह हमारी हर तरह से हिफाजत करना चाहता है, अल्लाह चाहता है कि ऐसे ही पर्दा तुम इख्तियार करो, तो जो सर्दी के वायरस है, सर्दी के वायरस है उससे भी महफूज रहोगी, इसकी चमड़ी फटेगी नहीं, अल्लाह ये चाहता है कि ऐसे ही तुम चेहरे को छुपाओ, तो जो गर्मी के लू के वायरस है उससे तुमको नुकसान नहीं पहुंचेगा, और अल्लाह ये भी चाहता है कि हमेशा पर्दे में रहा करो, तो गर्मी के वायरस से भी बचोगी, सर्दी के वायरस से भी बचोगी, और जो रास्ते में छिछोरे वायरस रहते, अरे बोलो, क्योंकि कोरोना वायरस का इलाज है, सर्दी का वायरस लग गया अगर बदले चमड़ी वमड़ी तो उसका क्रीम, अरे बोलो ना भाई है, लेकिन ये जो वायरस रहते बड़े जिंदगी तबाह कर देते, माँ बाप की इज्जतों को मिट्टी में मिला देते, और आज मुझे कहते हुए अच्छा नहीं लग रहा है अल्लाह के घर में, कि हमने कभी नहीं सोचा था, मुसलमानों ने कभी नहीं सोचा था कि इतने बुरे दिन आएंगे कि मुसलमानों की बेटियां अदालतों में जाकर ये लिखकर लिखकर देगी कि मैं अपनी मर्जी से ईमान और इस्लाम छोड़ रही हूं, क्योंकि उसको किसी गैर से इश्क और प्यार हो गया है। आज मुसलमानों की बेटियां अदालत में एप्लीकेशन खुद होकर दे रही है और कह रही है कि मैं अपनी मर्जी से इस्लाम छोड़ रही हूं और मैं अपनी मर्जी से किसी रमेश प्रकाश और गणेश की जिंदगी का हिस्सा बन रही हूं। मुसलमानों बस आखिरी बात समझो कि ये जो हालात आ रहे हैं तुम्हें सुधारने के लिए आ रहे, तुम्हें सुधारने के लिए आ रहे, अगर अब भी न सुने तो माहौल इससे भी ज्यादा डेंजर आएगा। आज तय कर लो मुसलमानों कि हम अपनी बेटियों को, अपनी बीवियों को, अपनी माओं को, अपनी बहनों को बगैर हिजाब के बाजारों में निकलने नहीं देंगे, सड़कों पर गलियों में निकलने नहीं देंगे। वजह क्या है कि तुम मर्द के हाथ में रहता है, कुरान क्या कहता है, मौलाना अर्जियालों को बाहून अला निसा, कुरान कहता है, अल्लाह कहता है कि हमने मर्दों को जिम्मेदार बनाया, अगर किसी घर की बेटी, किसी घर की बहू, किसी घर की औरत अगर नंगी बाहर निकल रही है, अगर वो बेपर्दा बाहर निकल रही है, तो इसका जिम्मेदार मर्द है और मर्द से पूछा जाएगा। हजरत मौला तारिक जमील की मैं वीडियो सुन रहा था तो उन्होंने जुमला कहा कि एक औरत जहन्नम में चार मर्दों को लेकर जाएगी, बाप को लेकर जाएगी, शौहर को लेकर जाएगी, भाई को लेकर जाएगी और बेटे को लेकर जाएगी, क्योंकि ये तमाम जिम्मेदार थे, इनको चाहिए था कि ये रोकते थे, मगर वो औरत कहेगी मेरे मौला ये मेरा बाप है, इसने मुझे रोका नहीं, मेरे मौला मेरी शादी हो गई थी, फिर ये मेरा शौहर था, मुझसे बड़ी मोहब्बत करता था, इसने मुझे रोका नहीं, मेरे मौला ये मेरा भाई बड़ा था, इसने मुझे रोका नहीं जब मैं बेपर्दा घूम रही थी, मेरे मौला ये मेरा बेटा है, मैं इससे इतना प्यार करती थी कि इसकी हर तमन्ना पूरी करती थी, अगर मेरा बेटा कहता कि अम्मी जान तुम अगर नकाब के बगैर, पर्दे के बगैर बाहर निकलोगी तो मैं तुम्हारे हाथ से खाना नहीं खाऊंगा, मेरे मौला ये मेरा बेटा की जिम्मेदार है, तू इसको पकड़ के अगर ये मुझे मरवा लेता तो मैं कभी नंगा पन अख्तियार न करती, तो मर्दों की जिम्मेदारी है। इसलिए आखिरी जुमला ये भी सुन लो, अकबर इलाहाबादी एक शायर थे बहुत बड़े, वो ऐसा ताना देकर शेर कहते थे, तो उनको कुछ मुसलमान की बेटियां बाहर बेपर्दा भी, तो उन्होंने एक शेर कहा कि बेपर्दा नजर आई जो चंद बीबियां, यानी मुसलमान औरतें बेपर्दा नजर आई जो चंद बीबियां, अकबर जमीन गैरत कौमी से गड़ गया, यानी अकबर कहते हैं कि मारे शर्म के मैं गल गया, बेपर्दा नजर आई जो चंद बीवियां, अकबर जमीन गैरत कौमी से गल गया, पूछा जो उनसे आपका पर्दा किधर गया, कहने लगी वो अक्ल पे मर्दों की पड़ गया, यानी औरतों ने कहा कि अगर मेरा जो पर्दा है मेरे घर वालों के मर्दों के अकल पे पड़ गया, वरना वो मुझे कभी नंगा बाहर निकलने न दे। बल्कि मैंने पिछले हफ्ते जुमला कहा था, एक बेटी मुझे मिली मार्केट में, 3 महीने उसकी शादी को हुए, बड़ी बड़ी शर्म वाले घराने की लड़की थी वो, क्योंकि मेरे पास पड़ी थी, मैं जानता था उसको कि इसका घराना भी दीनदार है, पर्दे वाला है, बेपर्दा भी नहीं, मार्केट में शर्मा भी रही थी मिलने के लिए, कुछ सलाम दुआ करने के लिए, मैंने और मेरी बीवी ने खुद हमने उसको सलाम किया, करीब आई शर्माते शर्माते बोली, मैंने कहा कि बेटा वो लहंगी वगैरह नहीं और थोड़ा सा नकाब वकाब लाया था, मैंने कहा बेटा तुमने पर्दा छोड़ दिया, तो सुनो राम पे खड़े हो जाएंगे, मैंने कहा बेटा तुमने पता छोड़ दिया, तो वो बेटी क्या कहने लगी, मुफ्ती साहब यकीनन मेरा बाप बड़ा शरीफ, मेरी माँ बड़ी शरीफ, मेरा खानदान शरीफ, मेरा घराना
लड़के के साथ मेरी जिंदगी जोड़ी है। मेरा शौहर खुद कहता है कि तू लड़की में अच्छी लगती है और तू बगैर नकाब के अच्छी लगती है। और मुफ्ती साहब जब मेरा शौहर ही मुझे नंगा रहने के लिए कह रहा तो मैं क्या करूं। तो आज ऐसे भी जवान हैं जो अपनी बीवियों का खुद पर्दा उतार रहे, नंगा कर रहे और उनको दिखा रहे। जवानों समझो इस बात को, पर्दा हमारी बेटियों की इज्जत है। आज हम ऐलान कर रहे हैं कि हिजाब पहले किताब बाद में। हमारी बेटी पहले हिजाब करेगी, पर्दा करेगी, फिर पढ़ेगी। मेरे उस्ताद ने आज से 40 साल पहले मौलाना अली ने रजवी जिनके लिए काबा खोला जाता था, उन्होंने 40 साल पहले कहा था। उस वक्त हुकूमत कहती थी कि मुसलमानों के बच्चों को सूर्य नमस्कार करना पड़ेगा, सुबह सुबह स्कूल में आकर सूरज को नमस्कार करना पड़ेगा। मेरे उस्ताद ने 40 साल पहले कहा था कि मुसलमान का बच्चा जाहिल रहेगा, मुसलमान का बच्चा फूल बेचेगा, मुसलमान का बच्चा मिस्त्री बन जाएगा, मुसलमान का बच्चा मजदूर बन जाएगा, लेकिन मुसलमान का बच्चा सूर्य नमस्कार अरे बोलो नहीं करेगा। मेरी बात रिकॉर्ड हो रही है और अल्हम्दुलिल्लाह 5-10 तो होंगी यहां पर, मुझे कोई डर नहीं लगता। सुन लो, हम ऐलान कर रहे हैं कि हमारी बेटी पहले अपनी इज्जत की हिफाजत करेगी, फिर उसके बाद पढ़ेगी। कहो इंशाअल्लाह, इस बात को समझो। और फिर मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि देखो अभी 3 महीने के बाद शायद